अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं थाई स्टर फ्राई डिश, जिसको का नाम है पात गपाओ। तो आज हम इस डिश को बना रहे हैं। बहुत फेमस है ये थाईलैंड में भी और यूएसए में भी और हर जगह जो लोग इसको जानते हैं। उसको बनाना बहुत इजी है। दो तरीक़ों से ये बनती है, या तो चिकन से या पोक से, लेकिन हम पोक नहीं खाते हैं तो हम इसको चिकन का इस्तेमाल करेंगे। और चिकन को हमने जो है ले लिया है, आप अपने उसके मुताबिक ले लीजिए। मैंने 250 से 300 ग्राम ली है, तो आप अपने फैमिली के हिसाब से ले लें आपको जितना लेना हो। फाइन बीन्स हैं और ये मेरी जो थी ब्राउन अनियन है, इसको डाइस कट कर लिया है। इसको बीन्स जो हैं, आपको फाइन बीन, लॉन्ग बीन जो भी मिले, फ्रेश बीन लीजिएगा, फ्रोजन नहीं लीजिएगा। और ये मेरे पास स्वीट चिली है, थाई चिली स्वीट, ये मैंने इस तरह काट ली है। और इस चिली को जो था मैंने, ये जो दो ही लिए हैं मैंने, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी है तो मुझे इतनी नहीं चाहिए। गार्लिक है मेरे पास, फ्रेश गार्लिक, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इसके लिए मैंने जो है इसके सॉस बनाने के लिए मैंने एक प्याली ली है। और अब हम अपने सॉसेस शुरू करेंगे। तो इसके लिए जो है मैं जो हूँ वो सोया सॉस मुझे चाहिए। फिश सॉस है। अगर आप एलर्जिक नहीं हैं तो यूज़ कर सकते हैं, सब टू यू। और सोया सॉस है और ऑयस्टर सॉस है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितने कितने स्पून इसमें लेंगे और सॉस बनाएंगे। ये सॉस बनाने के लिए मैंने एक प्याली में 3 टेबल स्पून पानी लिया है। सादा पानी है, कोई गर्म पानी नहीं है। और इसको जो है बॉयल वाटर है, ये जो बॉयल करके जो घर में खाने पकाने के ये यूज़ करते हैं, वो वाला पानी लिया है 3 टेबल स्पून, इसलिए कि सॉस जो है ज़रा पतला हो। ये मैंने जो है 1 टीस्पून शुगर ली है। ऑयस्टर सॉस जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून, या आपको अपनी फैमिली के जो भी हिसाब से चाहिए हो उतना आप लेंगे ऑयस्टर सॉस। सोया सॉस जो है दो टेबल स्पून है मेरे पास। डार्क सोया सॉस है ये, लाइट जो भी आपके पास हो। और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने फिश सॉस लिया है। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर आपको कोई फ्लेवर फिश सॉस नहीं चाहिए, एलर्जिक हैं, तो रिमूव कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसको लेने की। उसकी जगह थोड़ा सा सोया सॉस बढ़ा लीजिए। और शुगर अगर आपको लगता है कि जो है वो ज़्यादा है, तो आप उसको 1/2 टीस्पून से तक ले जा सकते हैं। मैंने इसलिए डाली है कि मुझे जो है ना इसका सोया सॉस का थोड़ा सा फ्लेवर वो लगता है। मेरे पास बिल्कुल ही प्योर है और डार्क है, मुझे ज़रा मेरी ज़बान पे लगता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये देखिए सॉस हमारा तैयार हो गया। शुगर को अच्छी तरह डिसॉल्व कर लिया पानी में, वरना उसके दाने जो हैं वो आपके मुंह में आएंगे। अब एक वोक रखते हैं और हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल डालेंगे। तो ये हमने एक वोक में ऑयल डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक डालेंगे। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक डालेंगे। गार्लिक मैंने चॉप करके रखी थी, तो गार्लिक का जो है हम पेस्ट डालेंगे। तकरीबन मेरे पास जो थी वो 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स थी, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। तो ये देखें इतना पेस्ट है इसका। और ये मेरे पास जो चिली थी जो मैंने रफली चॉप की थी, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो फिर जो चिली आपको पसंद है वो डाल लीजिए। इसमें रेडी पड़ती है, ग्रीन नहीं पड़ती है। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे 2 से 3 मिनट। जैसे ही आपको ये इसकी चिली की स्मेल आने लगेगी और गार्लिक की स्मेल थोड़ी सी आपको पता चलने लगेगी, रोस्टेड की तरफ जा रही है, फिर जब आप इसको जो है वो सौते करेंगे तो ये काफ़ी तेज़ स्मेल है वो आती है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम फौरन ही इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन जो है वो क्यूब कटिंग नहीं है, उसका तरह से आप कहें कि हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा जो होता है जिसे चॉप कर लेते हैं, इस तरह का है, ज़रा मोटा मोटा सा है। तो वो आप अपनी फैमिली के मुताबिक आप जो भी खाना चाहते हैं इस तरह, और उसको थोड़ा सा
उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चिकन जो है अपना कलर थोड़ा सा चेंज नहीं कर लेती। बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, काफ़ी फेमस भी है। कोई सॉल्ट कोई चीज़ मैंने नहीं डाली है। अगर आपको सॉल्ट डालना होगा तो हम थोड़ी देर में डालेंगे। ये सारी जो थाई कुकिंग है या थाई कुजीन है ये सारी हाई फ्लेम पे ही होती है, तो आप अपना फ्लेम लो मत रखिएगा, थोड़ा सा हाई रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं तो सब जल जाए, लेकिन इतना रखिएगा कि जो है वो आपकी जो आँच है वो मीडियम तक, मैं आपसे कह सकती हूँ मीडियम से ज़रा उठती हुई हो। और दूसरे थाई कुकिंग जो है वो आमतौर पे आयरन वॉक में होती है, जो लोहे की कढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं। मेरे पास ये सब थी नहीं तो मैंने इसमें इस तरह नॉन स्टिक वगैरह बता ली, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने ओरिजिनल उसमें ही फ्लेवर देती हैं जब आप उस वॉक में पकाते हैं आयरन के, तो बिल्कुल ये एक डिफरेंट फ्लेवर आता है, डिफरेंट मज़ा आता है। चिकन ने हमारा कलर चेंज कर लिया है, तो इस मौके पे आके जो सॉस हमने बनाया था वो मैं डालूंगी अच्छी तरह। एक दफ़ा इसको चला लीजिएगा, चिलीज और चीज़ें अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितनी पसंद है। मेरा बहुत ही माइल्ड है और मैंने बहुत वैसी चिली नहीं यूज़ की है, मैं इसके साथ जो है वो सिराचा सॉस रख दूँगी। अच्छा, और ये क्योंकि मैंने बेसिल का बताया था तो ये हर्ब है और इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको थाई बेसिल मिल जाता है, बाहर की कंट्रीज़ में तो आराम से मिल जाते हैं, और वैसे जो है ये बड़ी सुपरमार्केट में, अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल बेसिल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको ज़रा सा हम तो वाटर जो है वो रिड्यूस करेंगे, तो फिर बाद में अपनी वेज डालेंगे इसके अंदर। आप अगर जो है वो सॉफ्ट वेज पसंद करते हैं तो आप थोड़ा पहले डाल दीजिए, इस वक्त मुझे ज़रा क्रंची सा पसंद है तो मैं थोड़ा सा रुक के डालूँगी। और दूसरे प्लीज़ 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 फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ कीजिएगा, फ्रोज़न या पकी जो पुरानी जो गार्लिक पिसा हुआ रखा हुआ था वो नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा लेके क्रश कर लीजिएगा और फिर वो डालिएगा, उसका जो फ्लेवर होगा वो जो है वो बहुत ही अच्छा होगा और पूरे जो उसके जो आप भी कुकिंग कर रहे हैं उसके पूरे टेस्ट को जो है वो एनहेंस कर देगा, बिल्कुल फ्लेवर चेंज कर देगा, टोटली कम्प्लीटली डिश चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रोज़न या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो मार्केटों में आप जाके खाते हैं। ये जो जिन्होंने ये खाई भी होगी डिश उनको ये पता होगा कि थाई लोग जो हैं वो फ्रेश इन्ग्रीडियंट यूज़ करते हैं, वो पिसे हुए या फ्रोज़न नहीं। ये मेरे पास सिराचा सॉस है और मैंने ये बनी बनाई बॉटल ली है। बेसिकली ये जो है वो जो लोग खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ लहसुन मिर्च की चटनी होती है ना, ये उसी तरह का है कि उसको बना के करके मैं किसी दिन इसकी वीडियो भी डाल दूँगी। 2 से 3 ड्रॉप डालूँगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा हॉट है मेरे पास, तो क्योंकि वो थाई लोग जो हैं वो अपने खानों में आज़ादाना चिली का इस्तेमाल करते हैं, स्वीट भी होती है हॉट भी होती है, तो ये मैंने बस 2 ड्रॉप इसके अंदर डाले हैं। आपको नहीं मिले सिराचा सॉस तो आमतौर पर सुपरमार्केट से मिल जाता है, नहीं है तो हॉट सॉस डाल दीजिए, वो फ्लेवर तो नहीं होगा लेकिन लगभग वैसे ही फ्लेवर आ जाएगा। और वो भी नहीं मिलता है तो रेड चिलीज जो है आप उसको विनेगर में भिगो दें और उसके अंदर थोड़ा सा अगर गार्लिक डाल दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें, नमक डाल दें और उसको रख दें रात में और फिर सुबह उठ के वो उसमें थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, तो काइंड ऑफ वो उसी तरह बन जाता है। थोड़ा सा चिकन ने भी हमारा पानी रिलीज़ किया है, थोड़ा जो सॉस डाला था वो भी है। मैं थोड़ा सा वेट करूँगी और इसमें फिर मैं जो मेरी बीन्स हैं वो थोड़ी सी डालूँगी। अच्छा, अगर आपको थोड़ी कम बीन्स पसंद है तो कम बीन्स डाल लीजिए,
जो चीज़ इसमें आप जो वेज भी आपको अच्छी नहीं लगती वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी अनियन अभी डालूँगी, बाकी बाद में डालूँगी। मैंने हैंडफुल से भी कम डाली है, बाकी सारी रोक ली है। ये देख लीजिए, फ्लेम मेरा इसका हाई है। चिकन तो आपको पता है बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है ये, बहुत क्विक सी रेसिपी है। इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा और ये ड्राई साइड पे होगी। देखिए ये बिल्कुल ही इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया। अब हम जो है, जो हमारे पास अनियन है और जो रेड चिलीज हैं, स्वीट थाई रेड चिलीज आपको जो भी मिल जाती है, ये हॉट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हॉट पसंद है वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना हॉट खाते हैं। और बस हम इसको थोड़ा सा कलर इतना नहीं पकाना है कि इसके कलर जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। इस वक्त आप देखें कितने खूबसूरत कलर्स हैं। बस इतना करना है कि पानी ड्राई हो जाए, चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और चीज़ों के कलर भी बहुत अच्छे रहें। चीनी डालने का मकसद से ये था मेरा कि ये जो सॉस है ये एक्स्ट्रा हॉट है और घर में हर कोई नहीं पसंद करता है। तो अगर आपको ये लगता है क्योंकि ऑयस्टर सॉस थोड़ा खुद भी मीठा होता है, आपको ये लगता है मैंने अपने लिए इतनी डाली है, आप क्वार्टर डाल लीजिए, हाफ टी स्पून डाल लीजिए। मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है, आपके ऊपर है आप वाइट है आप वाइट यूज़ कर लीजिए, लेकिन ब्राउन शुगर से इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाता है और निखर के आता है। तो ये सब सॉसेज वगैरह ये बैलेंस करना आपके अपने ऊपर है। जो मेन सॉसेज थे मैंने आपको बता दिए कौन से जाते हैं, क्या सॉस जाता है। मैं प्रेफर ये करती हूँ कि मैं इसको इस तरह बना लेती हूँ, घर में ये बॉटल रख देती हूँ सॉस की, तो जिसको अगर ऊपर से डाल के खाना हो साइड में तो वो खा सकता है। ये हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल। देखिए वाटर बिल्कुल ड्राई हो गया है, पानी नहीं होना चाहिए। और हम इसको करेंगे, मेरा इलेक्ट्रिक का स्टोव है तो जब मैं इसको बंद करूँगी फिर भी आपको इसकी सिजलिंग की आवाज़ आती रहेगी। मेक श्योर करें कि आपकी चिकन में स्मेल ना हो, चिकन के पीसेस भी मैं आपको दिखा दूँ किस तरह के हैं। मैंने हाथ से किए थे इसको, कोई भी चीज़ जो है हमें इस तरह नहीं करनी है कि वो फॉगी हो जाए। और इस मौके पे आके जब हम अपना स्टोव बंद कर देंगे, ये चूल्हा बंद कर देंगे, तो मेरे पास जो बेसिल है वो मैं इसमें डाल दूँगी ताकि वो डार्क ना हो। और ये भी मैं इतना डाल रही हूँ, ये आप देखिएगा उसका फ्लेवर इतना अच्छा होगा, आपके अपने ऊपर है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा ही, मैंने ज़रा ज़्यादा ही डाला है। हम करेंगे साइड पे, ये हमारा रेडी हो गया है। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। हम साइड पे करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरह सर्व करेंगे। फिर हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि जब ये स्ट्रीट फूड है, थाईलैंड का स्ट्रीट फूड में आमतौर पर ये बाहर भी स्ट्रीट फूड बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, तो हम इसमें आपके अपने ऊपर है एक एग जो है वो डालेंगे। ये ज़रा ज़्यादा ही ऑयल में फ्राई होता है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसकी खूबसूरती इसी तरह की है,
गोल्डन क्रिस्प। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो उसको ऑमलेट की तरह भी रखते हैं। तो ये सर्व किया जाएगा प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ, थाई जैस्मिन राइस हो, थाई प्लेन राइस हो, बासमती राइस इनके यहाँ होते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, आपके घर के सादे राइस जो हैं वो प्लेन राइस बॉइल कर लीजिए। ये है तो मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ ये किस तरह सर्व होगा। एग हमारा हो रहा है साइडों से गोल्डन हो जाएगा। देखिए ब्रेड राइस के साथ एग, देखिए कितना क्रिस्पी फ्राई है, ये इसी तरह होता है, ये इस तरह है। तो इसको बनाइए और इसको खा के हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने कमेंट्स देंगे और उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के इस था एपिसोड के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।